सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द विश्नोइज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको राजस्थान के एक असाधारण बच्चे चंबोजी के जीवन के बारे में बताया गया है। जब वह 25 वर्ष के थे तो उनके क्षेत्र में बहुत ही सूखा पड़ा। चंबोजी इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने क्षेत्र को पुनः हरा भरा करने के लिए 29 सिद्धांत दिए, जिसमें से 2 मुख्य सिद्धांत थे। पहला, हरे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा, और दूसरा, कोई भी जंगली जानवर है तो उसे मारा नहीं जाएगा। आइए आगे देखते हैं। जम्बोजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोई और 29ers बिकॉज दे एडर टू जम्बोजीज 29 प्रीसेप्ट्स। जम्बोजी के अनुयायी बिश्नोई या 20 नौधारी कहलाए, क्योंकि वे जम्बोजी के 29 व्यवहारिक सिद्धांतों का पालन करते थे। दे प्रिजर्व्ड द ट्रीज अराउंड देयर विलेजेस एंड प्रोटेक्टेड ब्लैकबक, चिंकारा, पीफॉल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। उन्होंने अपने गांवों के चारों तरफ पेड़ों को सुरक्षित रखा और कृष्ण मृग, चिंकारा, मोर मोरनियों जैसे अन्य सभी पक्षियों व जानवरों की रक्षा की। ग्रेजुअली देयर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाय ट्रीज। धीरे धीरे उनका क्षेत्र पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल हैड एब्डंट ब्राउज। उनके मवेशियों के लिए प्रचुर पत्तियां हो गई। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी। उनकी ज़मीन ने अपनी उर्वरता पुनः प्राप्त कर ली। एंड द विश्नोईज बिकम ए प्रॉस्पीरियस पीपल। और विश्नोई पुनः समृद्धशाली लोग बन गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटोरी, लेकिन उनके क्षेत्र के बाहर आल कंटिन्यूड एज बिफोर, पहले के जैसा चलता रहा। द लैंड वॉज स्टिल बींग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। अब भी इसका हरित आवरण छीना जा रहा था तथा मरुस्थल का प्रसार हो रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जम्बोजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधा जी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर। और जम्बोजी के समकालीन राव जोधा जी के नवे वंशज अब जोधपुर के सिंहासन पर आसीन थे। तो जम्बोजी के समकालीन राव जोधा जी जो थे, वो अब जोधपुर की गद्दी पर बैठ चुके थे। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730, दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस ऑफ फॉर हिमसेल्फ। अपने शासनकाल के 6th साल सन 1730 में इस महाराजा अभय सिंह ने अपने लिए एक महल बनाने का निश्चय किया। ए ब्यूटिफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर। एक प्रसिद्ध जोधपुर के बलुआ पत्थरों से बना हुआ सुंदर महल। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम। इसके लिए बहुत से चूने की ज़रूरत थी। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एब्डेंट इन दिस ट्रैक्ट। और इस क्षेत्र में चूने का पत्थर निसंदेह प्रचुरता से मिलता था। बट इट हैड टू बी क्योर्ड एंड द लाइम क्लेंस वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल। किंतु इसे पकाना पड़ता था और चूने के भट्टों के लिए बहुत से ईंधन की भी आवश्यकता थी। तो 1730 में महाराजा अभय सिंह ने अपने लिए एक महल बनाने का निश्चय किया और महल जोधपुर के सुंदर बलुआ पत्थर से बनाया जाना था, जिसके लिए चूने की आवश्यकता थी और उस क्षेत्र में बहुत ही प्रचुर मात्रा में चूना भी पाया जाता था। लेकिन चूने को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। मरुस्थल में इतना अधिक ईंधन पाना कोई सरल काम नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, देर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ विश्नोईज जस्ट 16 miles फ्रॉम जोधपुर। लेकिन संयोग से जोधपुर से महज 16 kilometers पर विश्नोइयों की एक बहुत बड़ी बस्ती थी। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बोजीज प्रीसेप्ट्स नियरली टू एंड ए हाफ सेंचुरी एगो। इन लोगों ने लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व जम्बोजी के
सिद्धांत स्वीकार कर लिए थे एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड ऑफ खेजरी ट्री नियर देयर विलेजेज, और वे अपने गांव के निकट खेजरी के सैकड़ों वृक्षों को विकसित कर चुके थे। एंड देयर वॉज एक्सेलेंट लाइम स्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजरली, और उनके गांव में से एक खेजरली गांव में बहुत निकट श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर भी था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर दैट, अभय सिंह के दीवान ने यह आदेश दिया कि द लाइम क्लेंस बी स्टार्टेड नियर खेजरली, कि चूने की भट्टियों को खेजरली के पास आरंभ किया जाए एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस, और महल के निर्माण कार्य को शुरू किया जाए। तो उनके क्षेत्र के पास एक खेजरली गांव पड़ता था जिसमें बहुत ही उत्तम किस्म का चूना भी था और वहां पर भट्टियों को लगाने के लिए ईंधन भी था। तो अभय सिंह के दीवान ने आदेश दिया कि खेजरली गांव के पास चूने की भट्टियों को स्थापित कर दिया जाए और महल के निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया जाए। बट व्हेन द वर्कर्स गोट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जैसे ही मजदूरों ने ईंधन के लिए पेड़ काटने को तैयार हुए, दे फाउंड दैट द विश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, उन्होंने पाया कि विश्नोइयों ने उन्हें पेड़ों को छूने भी नहीं दिया। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन, उनके खेजड़ी के वृक्षों को अकेला छोड़ दिया जाए, छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वॉज ए वॉयलेशन ऑफ देयर रिलीजन, इन हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म का उल्लंघन था। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर, मजदूर जोधपुर वापस लौट गए। द दीवान वॉज एनरेज्ड, दीवान बहुत क्रोधित हुआ। वाट इंसोलेंस, क्या धृष्टता है। ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर्स ऑन हॉर्सबैक टू खेजरली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्री बी कट, वह स्वयं घोड़े पर बैठकर मजदूरों के साथ खेजरली गांव गया और आदेश दिया कि पेड़ काटे जाएं। द एक्सेज वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, कुल्हाड़ियों को उठाया गया और पूरा गांव एकत्रित हो गया। तो जैसे ही वहां पर खेजरली गांव पर दीवान के साथ मजदूर गए और उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी को उठाया, वैसे ही संपूर्ण गांव एकत्रित हो गया। दे बिगैन दैट देयर रीजन बी नॉट डिस्क्रेटेड, उन्होंने अपने धर्म का अपमान नहीं किए जाने की याचना की। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज दैट, उन्होंने उन वृक्षों के संरक्षण की विनती की दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्टर्ड ओवर जनरेशन, जिन्हें उनके पूर्वज पीढ़ियों से विकसित करते आए थे। बट द दीवान वॉज डेटरमाइंड, किंतु दीवान दृढ़ संकल्पित था। द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लेंस, चूने के भट्टों में ईंधन के लिए पेड़ अवश्य काटे जाने थे। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, उसने मजदूरों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। बट द विश्नोइज वर डेटरमाइंड टू, किंतु विश्नोई लोग भी दृढ़ संकल्पित थे। एंड द मोस्ट डेटरमाइंड अमंग देम वॉज ए वेरिटेबल इनकार्नेशन ऑफ दुर्गा, अमृता देवी, और उनमें से दुर्गा का साक्षात अवतार द वाइफ ऑफ विश्नोई रामखोड़, और विश्नोई रामखोड़ की पत्नी अमृता देवी सर्वाधिक दृढ़ निश्चयी थी। द ट्री विल बी नेवर कट, पेड़ों को तब तक नहीं काटा जाएगा जब तक, अनलेस यू कट डाउन फर्स्ट, जब तक कि आप हमें पहले नहीं काट देते हैं। सी सेड एंड कॉलिंग टू हर थ्री डॉटर्स जॉइन हर दे क्लैप्स्ड फोर ऑफ द ट्रीज, और उसने अपनी तीनों पुत्रियों को अपने साथ शामिल होने के लिए बुलाया और उन्होंने चार पेड़ों को वहां से कसकर पकड़ लिया। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड दैट, दीवान अत्यधिक क्रुद्ध हो गया और उसने यह आदेश दिया कि
आल फोर्स देम बी कट डाउन विद द ट्रीज, कि इन चारों को इन पेड़ों के साथ काट दिया जाए. द एक्सेस फेल, कुल्हाड़ियाँ बरसी. एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेज, और उन बहादुर महिलाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए. बट द विश्नोईज वर नॉट टू बी कावर्ड, लेकिन विश्नोई लोग भयभीत होने वाले नहीं थे. मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड टू हंग द ट्रीज एंड टू बी कट डाउन विद देम. उनमें से अधिकाधिक लोग पेड़ों से लिपटने और पेड़ों के साथ कटने के लिए आगे आते गए. द न्यूज़ ऑफ दिस मैसकेयर्स स्प्रेड रैपिडली. थाउजेंड ऑफ विश्नोईज रश्ड फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेज टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर एंड सिस्टर्स. इस नरसंहार की खबर तेजी से फैली और उनके आसपास के 84 गांवों से हजारों विश्नोई लोग अपने बहादुर भाई बहनों की मदद करने के लिए दौड़ पड़े. ऑल टुगेदर 363 विश्नोईज सैक्रिफाइज्ड देयर लिव्स टू गार्ड द सैक्रेड हेरिटेज. और कुल मिलाकर 363 विश्नोई लोगों ने अपने पवित्र विरासत की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया. तो इस प्रकार से जैसे ही उनको पता लगा कि दीवान उनके पेड़ों को काटने के लिए वहाँ आया है, तो सारे लोग एकत्रित हो गए और उनमें से अमृता देवी नामक जो महिला थी वह पेड़ों से लिपट गई और उसने कहा कि यदि आप इन पेड़ों को काटेंगे तो उससे पहले आपको हमें काटना होगा. दीवान को गुस्सा आ गया, उसने आदेश दिया कि इनको पेड़ों सहित काट दिया जाए. तो अमृता देवी और उनकी तीन पुत्री को पेड़ों के साथ काट दिया गया. और जैसे ही यह समाचार आसपास के गांवों में फैला, बहुत से लोग वहां आए, पेड़ों से लिपट गए और 363 विश्नोइयों को पेड़ों के साथ काट दिया गया. डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक रीड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.